एक कहावत के अनुसार जैसे को तैसा, ठीक उसी तरह भारत ने चीन को लद्दाख में करारा जवाब दिया है और चीन को कुछ सूझ ही नहीं रहा कि वो क्या करे। और उसी रस्साकशी पर यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, भारतीय सेना ने जिस चतुराई से चीन को जवाब दिया और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, उससे चीन असमंजस की स्थिति में आ गया है। ना ही वो इस मसले को हल करने की स्थिति में है और ना ही लंबे समय तक इसमें फंसा रहना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मुद्दों पर घिर सकता है। यहां पर एक जानकारी देते चले कि हाल ही में चीनी सरकार ने तिब्बत पर नियंत्रण को विस्तार देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी। इसे तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर अमेरिका समेत कई देश तिब्बत को लेकर चीन को निशाना बनाते रहे हैं। लिहाजा यूरोपीय थिंक टैंक का मानना है कि यदि एलएसी पर भारत के साथ विवाद लगातार बढ़ता है तो चीन को इस मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए दिल्ली तिब्बत विवाद को विश्व मंच पर पुरजोर तरीके से उठा सकता है। ये मुद्दा वैसे भी कई देशों की सूची में शामिल है, इसलिए भारत के प्रयास को पर्याप्त समर्थन मिलने की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत बीजिंग के विरुद्ध पश्चिमी देशों का साथ दे सकता है। इस रिपोर्ट की एक और खास बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों का हवाला भी दिया गया है। जैसे ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने न केवल घुसपैठ की चीनी सेना की साजिश को नाकाम किया बल्कि उसने जवाबी कार्रवाई में कुछ चीनी शिविरों को कब्जा भी कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि थिंक टैंक क्या मानता है और क्यों चीन इस विवाद को लेकर परेशान है और भारत क्यों चीन पर भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि चीन को कब अक्ल आती है।